الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم. صدر گرامی وقار جانشین حضور ضیاء الامت علیہ الرحمت والرضوان، عزت مآب حضور غازی ملت سید محمد ہاشمی میاں، واجب التعظیم علماء کرام، مشائخ اعظام، محترم برادران اسلام اور میرے بہت ہی پیارے نوجوانوں، السلام علیکم. اس دنیا میں دین کو لانے والے انبیاء کرام ہیں اور ان کے بعد اس دین کو پھیلانے والے علماء کرام. اسی لیے نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. آج دنیا میں کوئی حاجی یا شہید ایسا نہیں، کوئی مجاہد یا پیر ایسا نہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی عالم کے شاگرد نہیں ہے. ہر دور میں علماء نے ہی قوم کی رہنمائی کی ہے. علماء کی حیثیت قوم میں وہی ہے جو روح کی جسم میں ہے. علماء ہی قوم کی آنکھیں ہوتی ہیں جن سے وہ دیکھتی ہے، اور علماء ہی قوم کا ذہن ہوتے ہیں جس سے وہ سوچتی ہے. جس قوم میں علماء پیدا ہونا بند ہو جائیں، اس قوم کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. علماء کی اس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچیں، اگر ہم برطانیہ اور یورپ میں علماء تیار نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر ہم اپنی اولادوں میں سے علماء نہیں بنائیں گے تو ہمارے گرینڈ چلڈرن کو اسلام کون سکھائے گا؟ کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے جو انہیں اسلام سکھائیں گے؟ نہیں، فرشتے نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ سنت الہیہ کے خلاف ہے. یہ ذمہ داری ہمیں ہی نبھانی ہے. محترم خواتین و حضرات، برطانیہ اور یورپ کے حالات مسلم ممالک سے مختلف ہیں. آپ اپنے شہر کے حالات کو غور سے دیکھیں. جن فیملیز میں کوئی عالم یا عالمہ نہیں ہے، یا دین کی اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والا کوئی فرد نہیں ہے، ان میں سے بعض کے بچے آج دوسرے مسالک میں چلے گئے ہیں. کچھ انتہا پسندی، دہشت گردی اور داعش گردی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور کچھ اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم بن چکے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتی ہیں، انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھ لو. اور یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. مجھے کئی فون آتے ہیں، پیرزادہ صاحب ہمیں برطانیہ میں آنا بہت مہنگا پڑا ہے، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی،
और दिन को करार नहीं है, हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। मैं जब पूछता हूं क्या हुआ है, पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे बाज बच्चे रातें घर से बाहर गुजारते हैं और नापसंदीदा मकामात पर जाते हैं, और जब हम उन्हें मना करते हैं कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, तो वो कहते हैं हमें उस इस्लाम की जरूरत नहीं है जो हमारी आजादी में रुकावट डालता है। अगर आज हमारी जिंदगी में ये हालत है तो हमारे मरने के बाद क्या होगा, और मैदान हश्र में इसका जवाब दे कौन होगा? ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हम में से अक्सर भुगत रहे हैं, और जो खुश नसीब बचे हुए हैं उन्हें किसी भी वक्त ये मुसीबतें अपनी लपेट में ले सकती हैं। लिहाजा वक्त की जरूरत है कि हम आज ऐसी मंसूबा बंदी करें कि हमें कल ये बुरा वक्त न देखना पड़े। गुज़श्ता सदी का ब्रिटिश तारीखदान आर्नल्ड जोसेफ टाइन भी कहता है, सिविलाइजेशंस डिक्लाइंड व्हेन देयर लीडर्स स्टॉप्ड रेस्पॉन्डिंग क्रिएटिवली। तहजीबें उस वक्त सवाल पजीर होती हैं जब उनके लीडर नए मसाइल का नया हल पेश नहीं करते। कनाडा का मुसन्निफ ब्रायन ट्रेसी कहता है, लीडर्स थिंक एंड टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, फॉलोअर्स थिंक एंड टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स। अवाम हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करते हैं मगर लीडर उनका सॉल्यूशन पेश करते हैं। मैं भी दीन का एक तालिब इल्म और आपका खादिम हूं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि अपनी सोच के मुताबिक मैं आपको इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पेश करूं। इन खतरात के बहुत से हल हो सकते हैं मगर मैं आज उनमें से सिर्फ दो हल पेश करना चाहता हूं। अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दो हल पेश करने, हल नंबर एक, हर जुमला गौर से सुनने वाला है। दुनिया के हालात दिन ब दिन बदल रहे हैं, लिहाजा बरतानिया में रहने वाली हर फैमिली एक आलिम और एक आलिमा तैयार करे, ये उसकी आने वाली नस्लों की जरूरत है। उसकी सूरत ये हो सकती है कि अगले वीकेंड को, नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे, अगले वीकेंड को हर फैमिली का हेड अपने घर में तमाम बच्चों की दावत करे। फर्ज करो अगर किसी के पांच बेटे और बेटियां हैं और आगे उनमें से हर एक के तीन तीन बच्चे हैं, तो वो अपने पांच बेटों और बेटियों को कहे, अल्लाह ताला ने तुम्हें 15 बच्चे और बच्चियां अता की हैं, इनमें से 13 बच्चों और बच्चियों को जो चाहो बनाओ, डॉक्टर और वकील बनाओ, प्रोफेसर और प्रोफेशनल जो चाहो बनाओ, मगर उनमें जो सबसे ज्यादा शरीफ और सबसे ज्यादा जहीन बच्चा है, और जो सबसे ज्यादा शरीफ और जहीन बच्ची है, उसको अपने नबी का वारिस बनाओ। और सारे बहन भाई मिलकर उसको स्पॉन्सर करो। इसके तुम्हें बहुत सारे फवायद होंगे, चंद फवायद आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूं। नंबर एक, चूंकि सारे बहन भाई मिलकर उसे स्पॉन्सर करेंगे, इसके सवाब में सब बहन भाई बराबर के शरीक हों।
फायदा नंबर दो, हो सकता है तुम्हारी डॉक्टर और प्रोफेसर बनने वाली औलाद तुम्हें इसी दुनिया में छोड़ जाए, मगर आलिम और आलिमा बनने वाली औलाद सिर्फ ये दुनिया नहीं बल्कि कब्र, हशर और आखिरत में भी तुम्हारे कदम चूमेगी। फायदा नंबर तीन, मैदान हश्र में अगर नबी करीम अलैह तहियत व तस्लीम ने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो उस फैमिली से जिसके 15 बच्चे हैं जिसके मैंने अभी जिक्र किया, अगर उस फैमिली से पूछा तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो आप कह सकेंगे या रसूल अल्लाह हमारी फैमिली में जो सबसे ज्यादा शरीफ और जहीन बच्चा और बच्ची थी हमने उसको आपके दीन के लिए वक्फ किया और आपका वारिस बनाया। आप खुद सोचें उस वक्त नबी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस खुशी से आपकी शफात फरमाएंगे दुनिया की कोई चीज उसका बदल नहीं बन सकती। और जिसने अपनी फैमिली में एक भी आलिम और आलिमा न बनाई और मैदान हश्र में अगर नबी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें 15 बच्चे दिए थे, तुम्हारी फैमिली को अल्लाह ताला ने 15 बच्चे दिए थे और तुमने उनमें से एक भी मेरा वारिस नहीं बनाया, तो खुद सोच लो उस वक्त तुम्हें कितनी हसरत और शर्मिंदगी होगी। फायदा नंबर चार, तुम्हारी आने वाली नस्लों में अगर कोई बच्चा या बच्ची गुमराही, बेदीनी, दहशतगर्दी की तरफ मायल होगी तो उनका ये कजिन आलिम और उनकी ये कजिन आलिमा उन्हें उस गुमराही से बचाएंगे, क्योंकि मेरे मुशाहदे और नॉलेज के मुताबिक बर्तानिया में जिस फैमिली में कोई आलिम या आलिमा है अभी तक उस फैमिली से किसी शख्स ने इस्लाम नहीं छोड़ा। लिहाजा हर फैमिली को चाहिए कि एक नौजवान बेटे और एक नौजवान बेटी को नबी का वारिस बनाए। दरबुल मसल है जो आप अक्सर सुनते रहते हैं, इफ यू एजुकेट ए मैन यू हैव एजुकेटेड ए फैमिली। अगर तुम एक मर्द को पढ़ाते हो तुमने एक इंडिविजुअल को पढ़ाया है, एक फर्द को तालीम दी है। अगर तुमने एक औरत को तालीम दी है तो तुमने एक पूरी फैमिली को तालीम दी है। यह दरबुल मसल अफ्रीकन है, मैं इससे एग्री करता हूं मगर मैं इसमें इजाफा करना चाहता हूं, यह दरबुल मसल आम दुनियावी तालीम के बारे में है और उसे इल्मे दीन के हवाले से अगर देखें तो मेरे ख्याल में यह जरबुल मसल ऐसे बनती है जो आपने पहले नहीं सुनी होगी जिंदगी में, आज मुझसे सुन रहे होंगे कि ये मैं बना रहा हूं। अब सुनिए, इफ यू एजुकेटेड वूमन यू हैव एजुकेटेड ए फैमिली, दैट्स करेक्ट। अगर तूने एक औरत को तालीम दी है एक फैमिली को तालीम दी है, बट इफ यू एजुकेट ए मैन एज एन इमाम, इफ यू एजुकेट ए मैन एज एन इमाम यू हैव एजुकेटेड थाउजेंड्स ऑफ फैमिली। अगर आप एक औरत को तालीम दे तो आपने एक फैमिली को तालीम दी है, गुड। लेकिन अगर आप एक मर्द को इमाम बनाए तो आपने हजारों फैमिलीज को तालीम दी है। मसलन जिस मस्जिद में 3-4 हजार औरतें और मर्द नमाज जुमा पढ़ते हैं वो इमाम हजारों फैमिलीज के ईमान को बचाता है। आलिम सिर्फ
इसी दुनिया में ईमान नहीं बचाता बल्कि मैदान हश्र में शफात भी करेगा। जैसा कि नबी आखिरुज़्ज़मान अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैदान हश्र में जब आबिद और आलिम पुल सिरात पर पहुंचेंगे, जो कहते हैं तलवार से तेज है, बाल से बारीक है, वहीं से सभी गिरेंगे जहन्नम के अंदर। मैदान हश्र में जब आबिद और आलिम पुल सिरात पर पहुंचेंगे तो आबिद से कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ और अपनी इबादत की वजह से अल्लाह की नेमतों से लुत्फ उठाओ। जो आबिद है उसे पुल सिरात पे कहा जाएगा जाओ जन्नत में रब की नेमतें खाओ, और आलिम से कहा जाएगा किफ होना अभी तुम जन्नत में नहीं जाओ, किफ होना तू यहां खड़ा हो जा और जिसकी चाहे शफात कर, फइन्नका ला तशफाउ लिअहदिन इल्ला शुफ़िता। कंज़ुल इमाल हदीस नंबर 28688। आलिम को कहा जाएगा किफ़ ना तू यहां खड़ा हो जा जिसकी चाहे शफात कर, फइन्नका ला तशफाउ लिअहदिन इल्ला शुफ़िता, बेशक तुम जिसकी शफात करोगे उसके हक में तुम्हारी शफात कबूल की जाए। ये तो एक हल मैंने बता दिया कि हर फैमिली से एक आलिम और आलिमा तैयार करो। अब दूसरा हल, जो कौम अपनी आने वाली नस्लों के लिए स्कूल बनाती है उन स्कूलों को चलाना उसके लिए टीचर तैयार करना भी उसी कौम की जिम्मेदारी, और जो कौम सेहत के तहफ्फुज़ के लिए अस्पताल बनाती है डॉक्टर तैयार करना भी उसी कौम की जिम्मेदारी है। इसी तरह जो कौम मसाजिद बनाती है इमाम तैयार करना उसी कौम की जिम्मेदारी है। यहां पर काबिल गौर नुक्ता यह है कि स्कूल में गैर मुस्लिम टीचर भी पढ़ा सकता है। अगर आपने टीचर नहीं किया तैयार, टीचर तैयार नहीं किया, स्कूल बना लिया, डजंट मैटर, गैर मुस्लिम भी पढ़ा सकता है। इसी तरह अस्पताल में भी गैर मुस्लिम डॉक्टर काम चला सकता है। आपने अस्पताल बना लिया, डॉक्टर नहीं बताया, गैर मुस्लिम काम चला सकता है, मगर मस्जिद में गैर मुस्लिम इमाम नहीं बन सकता। लिहाजा हर मस्जिद कमेटी को चाहिए कि वो नमाजियों में से किसी के ज़हीन और शरीफ तरीन बच्चे और बच्ची को तलाश करे और उनके वालिदैन को कहें कि आप इस बच्चे और बच्ची को नबी का वारिस बनाएं, मस्जिद कमेटी तालीमी फंड से उसको स्पॉन्सर करेगी। और अगर मसाजिद कमेटियों ने आज ये कदम न उठाया तो कल जब इंडिया और पाकिस्तान से आने वाले उलमा फौत हो जाएंगे तो इन मसाजिद में इमाम कहां से लाएंगे। मैंने जो दो हल पेश किए हैं इस पर अमल करने की अब आखिर में तरकीब बताता हूं। हर मस्जिद कमेटी और हर फैमिली आइंदा दो हफ्तों में एक एक नौजवान बेटा और एक एक नौजवान बेटी को आलिम और आलिमा बनाने के लिए तैयार करें विद इन नेक्स्ट टू वीक्स, और 5-6-7 अगस्त दो हफ्ते के बाद 5-6 अगस्त यानी जुमा हफ्ता और इतवार को अहले सुन्नत के मुक्तदर उलमा व मशायख का एक पैनल इस खादिम की माइयत में नूर टीवी पर और तकबीर टीवी पर बैठेगा। मेरे साथ उलमा व मशायख का एक पैनल होगा और हम आपसे रकम का सवाल नहीं करेंगे। 5-6-7 को हम अपील करेंगे मगर एक पाउंड भी नहीं मांगेंगे बल्कि आपसे आपके बेटे और आपकी बेटी का सवाल करेंगे। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह।
चा भी नहीं बनाऊ, बनने का प्रोग्राम भी नहीं है। आपके बेटे और आपकी बेटी का सवाल करेंगे, जिनको हम जाने आल करम में इन ओलमा की तरह तुम्हारा वारिस, नबी का वारिस बना के तुम्हें वापस करेंगे। इस वक्त बरतानिया में कई ओलमा और मशाइख ओलमा तैयार कर रहे हैं, मसलन अल जामिया सुफतुल इस्लाम ब्रेडफोर्ड, हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट बर्मिंगम, जामिया मोयल इस्लाम सिद्दीकिया ब्रेडफोर्ड, हिजाज कॉलेज कोंट्री, जामिया फैजान रसूल बर्मिंगम, जामिया इस्लामिया रिजविया ब्रेडफोर्ड, जामिया फुलकान बर्मिंगम, जामिया अलविया बोल्टन वगैरह। आप इन इदारों में से जिसमें चाहें अपने बच्चों को दाखिल कराएं, मगर मेरे पास जामिया अल करम में 300 बच्चों और 300 बच्चियों के लिए रहने की जगह मौजूद है। इस वक्त बरतानिया में अहले सुन्नत की तकरीबन 800 मसाजिद हैं, उनमें से सिर्फ 300 मसाजिद से मेरी गुजारिश है कि वो एक एक बच्चा और एक एक बच्ची मेरे पास दाखिल कराएं, और बकिया मसाजिद जो 500 बकिया सुनियों के मसाजिद हैं वो जिस इदारे में पसंद करें वहां अपने बच्चों को दाखिल कराएं। अगर मेरे पास 600 लड़कियां और लड़के दाखिल हो जाएं तो जामिया अल करम में फीस जस्ट 1500 सालाना हो सकती है। फीस ज्यादा होने की वजह तादाद की कमी है। मिसाल के तौर पर जब हमारे पास स्कूल की वजह से तालाबा की तादाद 135 थी तो जामिया का सालाना खर्चा 7 लाख पाउंड के करीब था, जो फी बच्चा 5000 पाउंड बनता है। उस वक्त हम स्कूल के तालाबा से 5000 फीस लेते थे और दर्स निजामी के तालाबा से आधी फीस यानी 2500 पाउंड लेते थे और बकिया 2500 पाउंड आपके अतियात से पूरे करते थे। अब हमारे पास सिर्फ 60 लड़के और लड़कियां हैं और गुज़श्ता साल का खर्चा 4.5 लाख पाउंड था। इस बिल्डिंग की सिर्फ जो हीटिंग, उस पर जो बिजली और डीजल खर्च होता है, यहाँ गैस नहीं, सिर्फ वही साल में 70-80 हज़ार है। तो 4.5 लाख पाउंड पिछले साल खर्च हुआ है। हमारे पास बच्चे थे 60, तो 4 लाख पाउंड, 4.5 लाख पाउंड को 60 तालिबा और तालिबात पर तकसीम किया जाए, यानी 4.5 लाख पाउंड खर्च हुआ है। अगर 60 लड़कों पर तकसीम किया जाए तो ये 7.5 हज़ार पाउंड फी कस बनता है। तो पिछले साल मैंने 7.5 हज़ार पाउंड फी बच्चा खर्च किया है। हमने 3.5 हज़ार फीस ली थी और बकिया 4 हज़ार पाउंड हमने आप लोगों के अतियात से पूरा किया था, जबकि इन 60 बच्चों में से भी बाद बच्चे बिल्कुल फ्री पढ़ते हैं क्योंकि वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। मोहतरम खातीनों हजरात, मेरी गुजारिशात का आखिरी जुमला गौर से सुनें। आज मैंने चंदा की अपील नहीं करनी, आज मेरी अपील सिर्फ ये है कि 5, 6 और 7 अगस्त को टीवी पर उन बच्चों के नाम लिखाएं जिनको आप आलिम और नबी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम का वारिस बनाना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का हामी और नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। आज मुझे बहुत सारे लोगों ने जामिया के लिए अतियात दिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उनके अतियात कबूल फरमाए, लेकिन एक आलिम दीन आज एक अपनी मस्जिद से नौजवान लेकर आया है कि मैं इसे आलिम बनने के लिए दाखिल कराऊं। अल्लामा अबुल महमूद निश्तर साहब कार्डिफ से एक नौजवान लेकर आए हैं, वो कहते हैं मैंने मस्जिद से ये नौजवान आलम बनाने के लिए तलाश किया है। जिन्होंने अतियात दिए हैं उनकी भी बड़ी खुशी है, मगर सबसे ज्यादा उस नौजवान की खुशी है जो कल आलम बने। अब बजाय इसके कि मैं स्टेज सेक्रेटरी को कहूँ कि वो हुजूर गाजी मिल्लत को बुलाएं, मैं एक हदीस सुनाकर उन्हें दावत देता हूँ। आप सब उनको अच्छी तरह जानते हैं, नबी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमा है और एक सहाबी पास बैठा है।
مسجد کے سامنے سے ایک صحابی گزرتا ہے, وہ صحابی کہتا ہے حضور یہ جو صحابی جا رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, آئی لو ہم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو نے اس کو بتایا بھی ہے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگا نہیں میں نے ابھی بتایا نہیں. اب نہ جاؤ جلدی جا کر اسے بتاؤ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں. وہ تیز تیز گیا, وہ آگے جا رہا تھا, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, وہ رکا اور رک کر پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے میں تمہیں بتانا آیا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے. اس نے کہا اللہ تو اس سے محبت کرے. غازی ملت میں لوگوں کے سامنے کہتا ہوں اس پیرزادے کو آپ سے محبت ہے, اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف